नमस्कार। नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन ट्रस्ट संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाळाना ऑनलाइन टीचिंग में आप सर्वेनु स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी पाठ 3 समझदार नहीं ए पाठ विषे आपणे अगाउना अंक में अभ्यास करी गया। हवे बीजा भागनी अंदर आपणे पाठने समझवानो छे, तो चालो आपणे पाठने समझी। पाठ छे समझदार नन्ही। शंकर सुल्तानपुरीए जेनी रचना करी छे, तो हवे आपणे पाठ जोईशुं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी में हमें यही सिखाया गया है कि लोग कितना भी बुरा करें, लेकिन अगर हमारा स्वभाव अच्छा हो तो हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो अब इसको हम उदाहरण के द्वारा, यानी कि इस इकाई के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो आइए हम इकाई को पढ़ते हैं। सुंदर कहानी है हमारी इकाई में, तो उस सुंदर कहानी को पढ़ते हैं और इस सीख को सीखेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तब बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे क्यों डंक मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ मैं एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में लगी थी, इसलिए मुझे आपके पास आने में देर हो गई। माँ खुश हो गई और बोली, वाह बेटी तुमने तो यह बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बदले में उसने क्या किया? मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, हाँ ये क्या किया बिच्छू ने? फिर कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओगी लेकिन फिर भी वो तुम्हें बार बार डंक मारता रहेगा। तब नन्ही बोली, उसने निश्चय कर लिया कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूंगी। उसने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? कि माँ बिच्छू की ये जो गंदी आदत है किसी को डंक मारने की, निर्दोष को भी वो डंक मार देता है, मैंने तो उसे बचाया था तो भी मुझे उसने डंक मार दिया, तो मैं अब उसकी यह गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूंगी। नन्ही ने ऐसा निर्णय किया। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में एक विचार आया। वह बिच्छू के पास तो आ गई, पर अचानक उसके मन में एक विचार आया कि बिच्छू के पास में जाओ, उसको बचाओ, पर इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू ने अगर मुझे
फिर से काट लिया तो, यानी कि डंक मार दिया तो, पर क्या करूं? अब मैं उसको बचाऊं या नहीं बचाऊं? अब मैं इस गंदे विचार वाले स्वभाव वाले बिच्छू का क्या करूं? पर उसकी करुण पुकार सुनकर नन्ही का मन पिघल जाता है। फिर भी वह फिर सोचने लगती है कि अब मैं इस गंदे इरादे वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है? दूसरों की भलाई करना। इसलिए बिच्छू की गिड़गिड़ाहट से उसका मन पिघल जाता है और फिर उसका मन डोल जाता है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान देने का निश्चय किया और पानी की धारा में से नन्ही ने बिच्छू को निकाल दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे ही बढ़ा। तब नन्ही इसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? तब नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी, तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम डंक मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ। कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा कि नन्ही बेटी कहाँ देर कर दी? तब नन्ही ने अपनी माँ को बिच्छू के साथ दोबारा हुई घटना की बात कही। तब माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तो इस तरह आपने इस कहानी को सुना और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी देखा हमने और सुना भी, कि इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुराई करनी चाहिए नहीं। अगर हमारा स्वभाव अच्छा हो तो हमें बुरे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार तो हम करेंगे और उसकी बुराई, उन लोगों की बुराई छुड़ाने का भी प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार हम अपनी अच्छाई ही करते रहेंगे और बुरे लोगों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस अंक में हम अब इतना ही देखते हैं।